प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत गांव से दूर के स्कूल में जाने के लिए सरकार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएगी परिवहन सेवा। झलकारी बाई की जयंती को लेकर आज कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा पलवल में 20 नवंबर को प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी झलकारी बाई की जयंती। दिल्ली हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने NCR के सभी जिलों में ग्रैप 4 के नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के जारी किए निर्देश। और केंद्र सरकार देश भर में 27.50% किलो की कीमत पर भारत आटा कराएगी उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर दराज के स्कूल में जाने के लिए अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को करनाल के गाँव रतनगढ़ के जनसंवाद कार्यक्रम में शुरू करने की घोषणा की गई है। प्रथम चरण में योजना करनाल जिले में और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में लागू की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव रतनगढ़ के लोगों की समस्याएं सुनी और जगदीश निवासी जुंडला वे दयानंद निवासी रतनगढ़ को पेंशन की सौगात, युवाओं को खेल प्रांगण जैसी सुविधा, गांव में बिजली के नए कनेक्शन देने, गांव निवासी ओम प्रकाश को रेडक्रॉस के माध्यम से रिक्शा देने, गांव की बेटी प्रियंका की मांग पर गांव के साथ लगती ड्रेन को बारिश से पहले पक्का करने, गांव फूसगढ़ निवासी सुरजीत की शिकायत पर सेक्टर 32 के पुलिस इंचार्ज को चेतावनी दी और बेटियों की मांग पर पंचायती राज फंड से मेन रोड से गांव तक की सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था करने की सौगात दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहतक में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता व प्रचार समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। देना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने मिलकर पहली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई थी, पंजाब के लोगों ने मिलकर दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई थी, 2024 के अंदर हरियाणा के लोग मिलकर हरियाणा के अंदर तीसरी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा। नोट कर लेना मेरी ये बात, आज हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है, अभी बनी है, 11 साल हो गया, 11 साल कुछ भी नहीं होते, 11 साल तो भाई साहब कितने लोगों से मैं मिलता हूं, एक MLA बनने के अंदर चप्पल गिर जाती है, जूते गिर जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब बड़ी मुश्किल से कोई MLA बनता है। ये तो पुराने जमाने में, पुराने जन्म में कोई पुण्य किए होंगे हम लोगों ने कि 11 साल के अंदर इस देश के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी मोहब्बत दी हम लोगों को। मात्र 11 साल में इस छोटी सी पार्टी की 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। 8 नवंबर को यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम मनोहर लाल के इस दौरे को लेकर कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं जगाधरी से विधायक व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सीएम के जनसंवाद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री 8 नवंबर को सबसे पहले हथनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की शुरुआत करेंगे। उसके उपरांत प्रताप नगर की ITI परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी,
अथनीकुंड में जो हमारा एक टूरिज्म का हमने नया एक शुरू किया है, जिस प्रकार से वहाँ मोटर बोट और दूसरे जो काम शुरू किए हैं वहाँ पे, और साथ ही जंगल सफारी हमने शुरू किया है वहाँ से, तो उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पधार रहे हैं। और उसके बाद जो जनसंवाद का कार्यक्रम है वो प्रताप नगर में पहला, और उसके बाद दूसरा जनसंवाद का कार्यक्रम हमारा 3 बजे जो है वो छछरौली में है, और 5 बजे फिर उसके बाद हमारा जगाधरी में। जगाधरी में इसका स्थान जो है हमारा स्कूल है झंडा चौक पे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें रहेगा। और छछरौली में जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें रहेगा, और प्रताप नगर में जो है हमारा वो जो हमारी ITI बनी नहीं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहित की सोच और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर सरकार से लोग जुड़ रहे हैं और सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा है। झलकारी बाई की जयंती को लेकर आज पलवल विश्राम गृह में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि झलकारी बाई की जयंती प्रदेश स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में आगामी 20 नवम्बर को मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। झलकारी बाई की जयंती को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री जी उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहेंगे, तो उसी प्रोग्राम को लेकर के आज सभी विधायकों से, सभी जिलाध्यक्ष से और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की है, ताकि उस प्रोग्राम की एक रूपरेखा बनाई जाए और हमें जगह निश्चित करनी है। अभी जगह देखेंगे और 20 तारीख को 10 बजे का समय है और जगह आपको बताएंगे, उसके बाद अभी हम डिसाइड करके। 2 साल बहुत बेमिसाल काम किया है, चाहे वो सड़क का विभाग हो, चाहे पानी का, चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, सभी विभागों में अच्छा काम किया है। और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम पिछले 9 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, और गरीब आदमी को घर बैठे उसको कैसे सेवाएं मिले, इस दिशा में काम किया है। और अंत्योदय के सिद्धांत पर जो हमारे समाज में सबसे गरीब आदमी, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। भाजपा सरकार ने गत 9 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम किया गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य परिवर्तन करने का कार्य किया गया है। गरीब व्यक्तियों को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गुरुग्राम सहित समूचे NCR क्षेत्र के वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण से बचाव के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी की जानकारी देते हुए DC निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम वासियों से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे निर्णायक कदमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने वायु प्रदूषण के बचाव व निवारण के उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नागरिक सुबह और देर शाम को बाहर टहलना, दौड़ना और शारीरिक व्यायाम करने से परहेज करें। साथ ही सुबह और देर शाम के समय बाहरी दरवाजे और खिड़कियां ना खोलें। यदि आवश्यक हो तो ये कार्य दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लकड़ी, कोयला, पशुओं का गोबर, मिट्टी का तेल जैसे बायोमास जलाने से बचें। DC ने कहा कि जिले में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना जरूरी है। दिल्ली हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने NCR के सभी जिलों में GRAP 4 के नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के कई जिलों में वायु गुणवत्ता मानक 300 से भी ऊपर चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है और वायु प्रदूषण नियंत्रण मानकों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में केवल BS6 वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है।
हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेश शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि संशोधित ग्रैप नियम निर्देशों को हरियाणा के सभी एनसीआर जिलों में तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और इसका अनुपालन सभी एजेंसियों विभागों से संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आग की घटनाओं के संज्ञान में आने पर अग्निशमन विभाग द्वारा इसे तुरंत बुझाया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर है, इरिगेशन है, मार्केटिंग बोर्ड है, हुड्डा है, एमसी है, इन सबको हदायत हमने दे दी है, मेल भी कर दिया है और पर्सनली भी बता दिया है कि आपके एक सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बैन है, रेगुलर स्प्रिंकलिंग करें, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन चल रही है, टैंकर्स के थ्रू छिड़काव चल रहा है और जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बिल्डर्स हैं, उन सब ने भी साइट में विंड शीट्स लगाई हैं और स्प्रिंकलिंग थ्रू टैंकर्स और स्मोक गन्स के द्वारा वो भी इंश्योर की गई है कि चलाए। और उसके अलावा रेगुलर टीम्स कहीं हुई हैं फील्ड में, सभी डिपार्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। डीसी साहब ने भी 144 के आर्डर भी कर दिए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शन दे दी है कि आपने इनको कंप्लाइज करना है। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों, माइनिंग, हॉट मिक्स प्लांट और औद्योगिक प्रदूषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई औद्योगिक इकाइयों को जनसेट के उपयोग को लेकर नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी कई जिलों में वायु गुणवत्ता काफी खराब है। करनाल का मानक 254 है जबकि कुरुक्षेत्र में 270 है। पराली में आग लगाने की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंजाब के मुकाबले पराली जलाने के मामले काफी कम हैं। 54 है हमारे नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया 370 है, आपका सोनीपत का है उसका एक स्टेशन पे 280-290 है, 300 के करीब है, दिल्ली में 300 से प्लस है, 350-400 है। तो करनाल का फिर भी परफॉर्मेंस अदर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से आज तो बेटर है, कल भी बेटर था और कोशिश यही है हम सब लोग मिले, लोगों से भी ये हिदायत है कि एक तो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना करें, जो घर भी हैं वो भी बंद है, इस जो लेटेस्ट डायरेक्शन स्टेज फोर की है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करें, मटेरियल को कवर करके रखें, ढक के रखें। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम नागरिकों के साथ हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की। वे करनाल से चंडीगढ़ आते हुए बस में सवार हुए और टिकट लेकर यात्रियों के साथ अंबाला कैंट तक सफर किया। उन्होंने बस में सफर कर रहे यात्रियों से बात की और उनके अनुभवों को जाना। मुख्यमंत्री ने बस के कंडक्टर को ई टिकटिंग की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। बस में मुख्यमंत्री को यात्रा करते देख लोग काफी खुश दिखे और कुछ यात्री कैमरे में वीडियो बनाते भी नजर आए। वहीं एक स्थानीय ढाबे पर रुककर मुख्यमंत्री ने मौजूद आम लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि बहुजन किसी भी संस्कृति को विशिष्ट पहचान देने का काम करते आए हैं। उन्होंने इस मौके पर कई प्रकार की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। WFI will go a long way in making the rich Indian food culture more familiar to the world. This will also prove to be a great platform for micro, small and medium enterprises in this sector to better align themselves with larger domestic and global players. From a business perspective, India offers an exciting opportunity. Its fast-growing economy offers a large market. राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने खाने का मेन्यू इस तरह चुनना होगा कि प्रकृति को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और पर्यावरण का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए। Consider the environmental cost of what we eat. The previous generations did not have to worry on this count, but the time has come when we have to choose our menu in a way that avoids any harm to nature. इस मौके पर राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसमें राज्य के अधिकारी, बैंक से जुड़े कर्मी, महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स शामिल रहे।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कल 90 में से 20 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस चरण में कल 90 में से 20 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। राज्य में 4,39,026 महिलाएं सहित 8,57,000 से अधिक मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। पूरे राज्य और बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मी तैनात किए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के प्रत्याशी बड़ी संख्या में नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इस महीने की 20 तारीख से गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, IFFI गोवा वैश्विक फिल्मों को एक महत्वपूर्ण मंच देता है। उन्होंने कहा, IFFI दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। ये सिनेमाई उत्कृष्टता का भी प्रतीक है जो देश और दुनिया भर के बेहतरीन प्रतिभाओं को एक साथ लाता है। 54वें इफ़ी में भी उसी दिशा में एक कदम है जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 1952 में इफ़ी की शुरुआत हुई, आज ये बिगेस्ट फिल्म्स एंड कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ द वर्ल्ड बना है इस तरह से पूरी दुनिया में। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता महत्वपूर्ण शैलियों की 15 प्रशंसित फीचर फिल्मों का चयन है जो फिल्म के सौंदर्य शास्त्र और राजनीति में उभरते रुझानों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि मास्टर्स और युवा आवाजों द्वारा समान रूप से कल्पना की गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी, जिसमें गोल्डन पीकॉक 40,00,000 रुपये और निर्देशक और निर्माता के लिए प्रमाण पत्र शामिल है। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा बाजार है और बाजार हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है। जब फिल्मों की बात होती है तो देश और दुनिया में सबसे बड़े फिल्म निर्माता के रूप में भारत का नाम आता है। और एक बात कही जाए, आज फिल्मों की दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ये कहा जा सकता है India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, it is stands at average growth of 20% annually. केंद्र सरकार देश भर में 27.50% किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर में करीब 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थाओं के जरिए बेचा जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसके लिए 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं का आवंटन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। हम फ्लैग ऑफ करेंगे नई पहल भारत आटा, जिसमें 27.50 रुपए में 27.50 रुपीज में हम इसको भारत आटा को देश भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं 21.50 रुपए पे अलॉट की गई है सरकारी, गैर सरकारी,
संस्थाओं को, कोऑपरेटिव संस्थाओं को, केंद्रीय भंडार को, एनसीसीएफ को और नैफेड को, जिसमें वो 21.5 में सरकार अनाज उपलब्ध कराएगी और उसको वो भारत आटा बना के 27.5 रुपए में देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। हीरालाल सामरिया ने आज भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। हीरालाल सामरिया देश के पहले अनुसूचित जाति के CIC हैं। उनका जन्म राजस्थान के भारतपुरम जिले के एक गाँव में हुआ था और वे 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। भिवानी जिला के गांव दुल्हेड़ी के युवाओं ने सामूहिक प्रयास व श्रमदान की एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इन्हीं के प्रयासों की बदौलत गांव दुल्हेड़ी का कोई भी व्यक्ति अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं डालता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर इस गाँव के युवा प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गाँव की सफाई का कार्य करते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण व जीव जंतुओं को भोजन करवाने का कार्य करते हुए एकजुट होकर किए जाने वाले कार्यों का एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 में गांव के युवा पवन सैनी व उसके 2 साथियों ने गांव की गलियों में सफाई का कार्य शुरू किया। समय के साथ ये कारवां बढ़ता गया, जिसमें गांव के युवाओं के अलावा अध्यापक, रिटायर्ड फौजी और किसान जुड़ते गए और 80 से लगभग स्वैच्छिक सफाई कर्मियों की टीम ने गांव में सफाई का बीड़ा उठाया। उनके इस कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड में की थी, जिसके बाद से इस गांव के युवाओं का उत्साह और भी बढ़ा तथा उन्होंने गांव से बाहर निकलकर अन्य जिलों में सफाई का अभियान चलाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। गांव में सफाई अभियान की शुरुआत करने वाले पवन कुमार, उनके साथी नथुराम, जगदीश चंद्र, परमेंद्र चौहान ने बताया कि सफाई कर्मियों के लिए उपयोग होने वाले झाड़ू, कस्सी, तसले व अन्य सामान का खर्च गांव के सभी लोग आपस में मिलकर उठाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके गांव में पहुंचकर उनके कार्य की सराहना कर चुके हैं। हमारी टीम का नाम युवा स्वच्छता जन सेवा समिति है। ये शुरुआत में हम जिस टाइम शुरुआत करी उस टाइम 2-3 आदमी थे, इसमें युवा साथी थे। आज 87 युवा साथियों के नौजवानों की उसमें हमारे साथ रिटायर्ड फौजी भी हैं, सर्विसमैन भी हैं, टीचर्स भी हैं, किसान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 अक्टूबर को जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी 2014 में, उससे प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा से हमने एक गाँव में छोटी सी एक अलग जगाई थी और आज ये बहुत बड़ा एक मिशन बन चुका है एक स्वच्छता अभियान का। और हमारी टीम का उद्देश्य यही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो हम उसको पूरा कर सके। हमारे गांव में पहली बार मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मतलब कितने साल हो गए, पूरे गांव का हमें सहयोग मिल रहा है। माता बहन और छोटे बड़कों का, और स्कूल में जाकर बच्चों को भी मूवमेंट करते हैं भी कूड़ा। और बच्चे आज के दिन ऐसा करते हैं जी, स्कूल में जो चीज़ ले जाते हैं वो पॉलिथीन जोड़म डाल लेते हैं, या घर ने जाकर उसमें कूड़ा डस्टबिन में या स्कूल के डस्टबिन में डालते हैं। मोदी जी ने हमारे गांव को, टीम को, डिस्ट्रिक्ट को मतलब खूब सराहा। इससे हमारे मन बिल्कुल गदगद हो गया। अन्य लोगों से तो अपील यही है कि पर्यावरण के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर हम जागरूक भी करते हैं और वो भी हमें आशा है कि हमारे इन बातों पर ध्यान देंगे। गांव की महिलाओं ने बताया कि गांव के युवाओं पर इस सफाई अभियान से अब गांव की महिलाओं को कूड़ा डालने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उनके घर के द्वार से ही युवाओं की टीम एक ट्रॉली के माध्यम से कूड़े का उठान करती है। ये जो पौधे हैं ये लगाते हैं, पानी डालते हैं, बहुत सारा गांव में बढ़िया काम पौधा लगाने करते हैं और सफाई का तो बहुत करते हैं। सैकड़ों लड़के हैं जो बहुत पौधा का सारा काम करते हैं। ट्रैक्टर भी आओ से मार घर घर कूड़ा ले जाए उठा के, सिर्फ तो हमारा तो हाथ छूट गया, पांडा छूट गया और सब बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। हम तो समिति के ओर तो हमारे जो बच्चे लाग रहे हैं कर रहे हैं उनकी ओर तो बहुत खुशी, बहुत राजी। महिलाओं को इसमें बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। पहले गांव की महिलाओं को बाहर जाकर कूड़ा कचरा फेंक कर आना पड़ता था, अब ऐसी कोई नौबत नहीं है। इसमें मतलब गांव में स्वच्छता का अभियान सही अच्छे से चल रहा है। इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सहयोग करें।
प्रदेश के खिलाड़ियों ने गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में साल 2022 के गोल्ड सहित पदक तालिका का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2022 में कुल 38 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन अभी तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने 37वें नेशनल गेम्स में 48 गोल्ड मेडल, 33 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। हरियाणा दल के इंचार्ज और हरियाणा ओलंपिक संघ के कोष अध्यक्ष पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने हरियाणा सरकार की नई खेल नीति, सभी खिलाड़ियों, कोच व तमाम फेडरेशन के पदाधिकारियों को इसका श्रेय दिया है। रविवार को वुमन की 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में हरियाणा ने तीनों पदक जीतकर इतिहास रच दिया। खिलाड़ी पलक ने गोल्ड मेडल, रिदम सांगवान ने सिल्वर मेडल और दृष्टि सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल प्रदेश को दिलाया। हरियाणा महिला फुटबॉल टीम ने पश्चिम बंगाल को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। लड़कों के इंडियन राउंड मुकाबले में खिलाड़ी सोनू, सुनील, राहुल और साहिल ने संयुक्त रूप से प्रदेश के लिए सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। उधर पुरुष वर्ग की कबड्डी के रोचक मुकाबले में हरियाणा की टीम ने उत्तर प्रदेश को 35-31 के अंतर से हराया। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिवम ने छत्तीसगढ़ के सूरत सिंह को, लड़कियों के मुकाबले में रिंकू ने पंजाब की संदीप कौर व मनीषा ने हिमाचल प्रदेश की विकांशी को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। तीरंदाजी के मुकाबले में कंपाउंड राउंड मिक्स में मोहित और किरण ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। मोहित और किरण ने हरियाणा सरकार और अपने कोच को धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों की हर सुविधा का ख्याल रखती है। कोच नीरज ने बताया कि मध्य प्रदेश से फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक अपने नाम किया। टीम में जो कि गर्व की बात है और मैं अपने कोचेस का एंड हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतनी सुविधाएं हमें दी। मिक्स टीम में जो कि मेरे साथ मोहित डागर था, उसके साथ एमपी के खिलाफ सिल्वर मेडल हासिल किया है, जो कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं हरियाणा की खिलाड़ी हूं। मैं हरियाणा एसोसिएशन, हरियाणा सरकार और मेरे कोच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मिक्स टीम में हमारी हरियाणा टीम के बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चे, दोनों लड़के लड़कियां, अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे हैं जिन्होंने मिक्स टीम में अपने आप को क्वालिफाई किया और आज एमपी को, मध्य प्रदेश को कड़ी टक्कर देते हुए इन्होंने आज अपना ये सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रिकर्व टीम के लिए हमारी लड़कियों की टीम ने गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई किया है और इंडिविजुअल में संगीता ने हमारी ने क्वालिफाई किया गोल्ड मेडल मैच के लिए। आज जिला अंबाला के शिवालिक गुरुकुल इलियासपुर में केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग 52वीं KVS राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर महेंद्र सिंह प्राचार्य राजकीय योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा महाविद्यालय चंडीगढ़ ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय गुरुग्राम संभाग वरुण मित्र भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा दे रही हैं। जिस प्रकार हरियाणा में बच्चों को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है, उसी प्रकार चंडीगढ़ में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय गुरुग्राम संभाग वरुण मित्र ने भी केंद्र सरकार की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और हम इसके लिए बच्चों से, उनके पेरेंट्स से किसी भी प्रकार की कोई अलग से खर्चा नहीं लेते हैं। संपूर्ण खर्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार इसका उठाती है। आप सब जानते हैं कि अभी भारत न केवल आर्थिक रूप से ताकतवर हो रहा है, भारत जो है, जो हमारे पुराना हमारा स्थान था विश्वगुरु होने का, उसकी तरफ अग्रसर है और खेलों में भी हमारा जो है प्रतिभागिता और हमारी अचीवमेंट्स जो हैं बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विभिन्न स्थानों से आए खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजनों से एक और जहां उन्हें विभिन्न स्थानों पर जाने का मौका मिलता है तो वहीं उनका मनोबल भी बढ़ता है। नई शिक्षा नीति से शिक्षा आसान हुई है, साथ ही खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। की फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है। मैं पिछले 2 साल से खेल रही हूँ, ये मेरा सेकेंड ईयर है, मतलब 1 ईयर से खेल रही है, सेकेंड ईयर है और मतलब कि ये मेरा सेकेंड ईयर है और पिछली बार से अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर अंबाला कैंट में और अच्छा है सब कुछ। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। मैं 5 साल से खेल रही हूँ, ये मेरा 5th ईयर है और लास्ट ईयर भी मैं SGFI गई थी, लास्ट ईयर भी हमारी टीम आई थी
ओवरऑल ट्रॉफी लेके गई थी। इस साल भी होप है कि हमारी टीम लेके जाएगी और यहाँ की फैसिलिटीज़ पहले से अच्छी है। पहली बार अंबाला आई हूँ KVS नेशनल खेलने, ये मेरा सेकंड ईयर है यहाँ आकर। अच्छा लग रहा है, ओपनिंग सेरेमनी वगैरह भी बहुत अच्छे से हुई और सारी फैसिलिटीज़ भी अच्छे से प्रोवाइड की गई थी और यहाँ का फूड वगैरह की सर्विस भी अच्छी है। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।